नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपके अपने मनपसंद यूट्यूब चैनल इंडियन एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गेहूं की सबसे अधिक पैदावार देने वाली चार नई उन्नतशील वैरायटियों के बारे में। किसान भाइयों, यदि हम किसी भी फसल की बुआई करते हैं और बुआई से पहले किसी अच्छी वैरायटी का सिलेक्शन कर लेते हैं या चुनाव कर लेते हैं, तो हम किसी भी फसल से कम लागत में बढ़िया और शानदार उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाइयों, तो किसान भाई, आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसी चार वैरायटी बताऊंगा जो भारत की नंबर वन वैरायटियां हैं और सबसे अधिक पैदावार देकर जाती है। किसान भाई, गेहूं की जो चारों वैरायटियां हैं जिन्हें आपको मैं बताने जा रहा हूं, ये जल्दी में ही लॉन्च हुई हैं, अर्थात नई वैरायटियाँ। किसान भाइयों, तो इनके बारे में मैं आज आपको पूरी जानकारी दूंगा कि इनकी बुआई हमें कब करनी चाहिए और बुआई करने के लिए कितने बीज की आवश्यकता पड़ती है और इन वैरायटी की जो फसल है वो कितने समय में पककर तैयार हो जाती है और पकने के बाद इनकी पैदावार कितनी मिलती है और इन वैरायटी के अंदर कौन कौन से रोग आते हैं, कौन सी बीमारी आती है और कितने पानी लगाने की आवश्यकता होती है, पूरी जानकारी देंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके और जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए, ये वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली घंटी को भी दबा दें ताकि हमारे आने वाले ऐसे ही नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होते रहें। किसान भाइयों, गेहूं की फसल की बुवाई करते समय हमें उसमें कौन सी खाद डालनी है, कौन से फर्टिलाइजर डालने हैं, कौन सी दवाइयाँ डालनी है, ये पूरी जानकारी किसान भाइयों मैंने अपने पहले वीडियो में दे रखी है, तो आप चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहाँ से ले सकते हैं। तो किसान भाई, हम सबसे पहली वैरायटी की बात कर लेते हैं। ये वैरायटी किसान भाई हमने रखी है K279। काफ़ी किसान भाइयों ने इसका नाम सुना होगा और बहुत ही शानदार और बढ़िया वैरायटी है। किसान भाइयों, यदि हम इस वैरायटी के लगाने के समय की बात करें या बुवाई करने के समय की बात करें, तो आप इस वैरायटी को 1 नवंबर से 20 दिसंबर तक इसकी बुवाई कर सकते हैं। किसान भाइयों, यदि बुवाई करने के लिए बीज दर की बात करें तो आप लगभग 40 से 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी बुवाई कर सकते हैं। किसान भाइयों, यदि इस वैरायटी के फसल पकने के समय की बात करें तो यह वैरायटी लगभग 120 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यदि हम इसकी फसल पकने के बाद पैदावार की बात करें तो यह वैरायटी हमें लगभग 30 से 32 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार देकर जाती है। किसान भाइयों, इस वैरायटी के जो पौधे होते हैं वो लगभग 100 सेंटीमीटर ऊंचे होते हैं और तना काफ़ी मजबूत होता है जिससे यह गिरती नहीं है। इसके अंदर यदि रोगों की बात करें तो नई वैरायटी है, इसके अंदर रोग बहुत कम आते हैं। किसान भाइयों, यदि हम पानी की बात करें तो इस वैरायटी को लगभग 3 से 4 पानी की आवश्यकता पड़ती है। किसान भाइयों, तो आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। किसान भाई, यदि हम दूसरे नंबर की वैरायटी की बात करें तो ये वैरायटी हम रखी है किसान भाइयों, श्रीराम सुपर 111। एक श्रीराम सुपर 303 आती है किसान भाइयों। उस वैरायटी के बारे में हमने पिछली वीडियो में बताया है, आप उसे जाकर भी देख सकते हैं, लेकिन इस समय हमें बात करनी है किसान भाइयों श्रीराम सुपर 111 के बारे में। यदि किसान भाई हम इस वैरायटी की बुवाई करने के समय की बात करें तो आप इस वैरायटी को 1 नवंबर से 25 दिसंबर तक आसानी से इसकी बुवाई कर सकते हैं। किसान भाइयों, यदि आप 10 दिसंबर के बाद बुवाई करते हैं किसान भाइयों, तो इसकी पैदावार कम हो जाएगी। यदि हम इसकी बुवाई के लिए बीज दर की बात करें तो आपको लगभग 40 से 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी बुवाई करनी चाहिए। यदि हम इसकी फसल पकने के समय की बात करें तो यह वैरायटी लगभग 120 से 125 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यदि हम इसकी पैदावार की बात करें तो यह वैरायटी हमें लगभग 30 से 35 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार देकर जाती है। किसान भाइयों, आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। किसानों, यदि हम तीसरी वैरायटी की बात करें तो ये हमने रखी है किसानों, ये पूसा तेजस जो 8759 के नाम से आती है। किसान भाइयों, यदि हम इसके बुवाई के सही समय की बात करें तो आप इस वैरायटी को 1 नवंबर से 10 दिसंबर तक इसकी आप बुवाई कर सकते हैं। यदि किसान भाई बुवाई के लिए बीज दर की बात करें तो आपको लगभग 40 से 42 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी बुवाई करनी चाहिए। किसान भाइयों, यदि किसान भाई हम इस वैरायटी के फसल पकने के समय की बात करें तो यह वैरायटी लगभग 125 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यदि हम इसकी पैदावार की बात करें तो यह वैरायटी हमें लगभग 32 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार देकर जाती है। किसान भाइयों, आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। किसान भाई, चौथी जो वैरायटी हमने रखी है किसान भाइयों, ये काफ़ी पुरानी वैरायटी हो चुकी है, परंतु अभी तक भी इस वैरायटी ने किसी दूसरी वैरायटी से हार नहीं मानी। किसान भाइयों, ये किसान भाई हमने रखी है HD2967। इसकी यदि हम बुवाई के समय की बात करें तो आप इस वैरायटी को 1 नवंबर से लगाकर लगभग 10 जनवरी तक आसानी से लगा सकते हैं। किसान भाइयों, यदि हम इसकी बुवाई के लिए बीज दर की बात करें तो आपको लगभग 45 से 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी बुवाई करनी चाहिए। किसान भाइयों, यदि किसान भाई इस वैरायटी के पकने के समय की बात करें तो यह वैरायटी लगभग 125 से 130 दिन में पककर तैयार हो जाती है। किसान भाइयों, यदि हम इसकी पैदावार की बात करें तो यह वैरायटी हमें लगभग 30 से 35 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार देकर जाती है। किसान भाइयों, इस वैरायटी के अंदर कंडुआ रोग की समस्या आती है, तो इस वैरायटी को जब भी आप लगाएं
तो आप इसका सीड ट्रीटमेंट अर्थात इसके बीज को जरूर उपचार कर लें किसान भाइयों। बीज उपचार करने के लिए किसान भाइयों आप एम स्टार टॉप ले सकते हैं या साफ ले सकते हैं। इसकी डोज किसान भाई आपको 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से ले रही किसान भाइयों। तो आप इसे यदि बीज ट्रीटमेंट करके बोते हैं तो आपको इसकी पैदावार भी अच्छी मिल जाएगी, जवाब भी अच्छा मिलेगा और किसान भाई इस वैरायटी के अंदर बीमारी भी नहीं आएगी। तो किसान भाइयों आप इन चारों वैरायटियों में से कोई सी वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं, कोई सी वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं और अपनी फसल की बुवाई कर सकते हैं किसान भाइयों और फसल से कम लागत और कम समय में बढ़िया और शानदार उत्पादन ले सकते हैं किसान भाइयों। यदि किसान भाई आपको किसी अन्य फसल के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। यदि किसान भाई मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।